मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करती थी तो मैं कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी क्योंकि मेरा एक्यूरेसी बहुत हाई था। आपके पास कंटेंट आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए और आपको उसे 7 मिनट में 10 मिनट में उस शीट में भरना है, इसलिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या काम करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मेरे लास्ट मेंस में मुझे माइग्रेन अटैक्स हो रहे थे लिटरली एंड आई वाज ऑन पेन किलर्स एवरी डे। हाय, मेरा नाम शैली है, मैं UPPCS में सेलेक्ट हुई हूँ एज सब रजिस्ट्रार। मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगी। तो सभी लोग बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मटीरियल इस बारे में अवेलेबल है। उसके अलावा मैंने क्या किया है या मेरे लिए क्या चीज़ें काम करी हैं, मैं उस बारे में बात करूँगी। सो पहले प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। सो मैंने बेसिक टेक्स्ट बुक्स पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया था, विच सबको पता है NCERTs होते हैं। तो NCERTs मुझे वर्ड बाय वर्ड रटी हुई थी, दैट वॉज बेसिक्स। और इसीलिए शायद मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप करते हैं, वो थोड़ा अलग था। मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करती थी तो मैं कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी क्योंकि मेरा एक्यूरेसी बहुत हाई था। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगी कि आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या काम करता है। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करते हैं तब आप थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करते हैं इजिली। थ्रेशहोल्ड का मतलब है कट ऑफ, यहाँ पे आप कितना मार्जिनली क्रॉस कर रहे हैं उसको। तो मेरा वो कम में काम चल जाता था इसलिए मैं बेसिक्स पे फोकस करके और कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। मैं 70 कभी क्रॉस नहीं करी हूँ और आराम से आई वाज कट ऑफ के काफ़ी परे। इसके बाद आती हूँ मैं कि अब मैंने अपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ से कि मेरे क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, चाहे वो सी सैट हो, वहाँ पर आपने डिवाइड कर लिया 3 पोर्शंस में कि कौन सा पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग हैं। आप किसी भी पोर्शन को इग्नोर मत कीजिए कि आपने मान लिया आप सिर्फ मैथ्स करेंगे, नहीं काम करेगा। आपको तीनों पोर्शंस कुछ 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 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज़ हाउ द पेपर इज़ कमिंग नाउ। तो आप तीनों पोर्शंस पे थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, लेकिन आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। सेम वे इवन आप GS में कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि शायद आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है या पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है। जैसे मेरा बैकग्राउंड पॉलिटी में था तो मेरे पॉलिटी के क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होते थे, तो मैं सबसे पहले वही अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। उससे क्या होगा कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जब मुझे कंटिन्यूस 10-15 क्वेश्चंस आते होंगे। वो एग्ज़ाम टाइम की चीज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं सेपरेटली बात कर सकती हूँ। बट पहले आते हैं कि क्या क्या हमने एग्ज़ाम से पहले किया। तो एग्ज़ाम से पहले PYQ सॉल्व करती थी मैं, मेरा मेजर एम्फोसिस होता था PYQ पे। PYQ में 3 टाइम्स एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स मैं PYQ करती थी। एक बारी अपना टेक्स्ट बुक्स पढ़ने से पहले, फिर टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के बाद मैंने क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व किए और फिर मैंने फुल लेंथ टाइम बाउंड टेस्ट सॉल्व किए। ये मेरा PYQ को सॉल्व करने का तरीका था। इसके अलावा मैंने अपने रिवीजन की मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई किया थोड़ा थोड़ा। तो रिवीजन के लिए जब मैं टेस्ट पेपर्स लगा रही हूँ या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और बाई चांस मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं पूरा टॉपिक को जाके वापस पूरा रिवाइज़ करती थी ताकि चांसेस मेरे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत होने के मिनिमाइज हो जाएंगे। सो ये मैंने रिवीजन में चेंजेस किए। उसके बाद मैंने और अपने पढ़ने के तरीके में क्या इम्प्रूवमेंट्स किए या चेंजेस किए ओवर टाइम, वो था कि जब मैं अपनी बेसिक टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ रही हूँ तो उसमें मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करती थी। रिसर्च नहीं करना है, सबको पता है, पर कुछ कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन करते हैं। अगर NCERT में मेंशन है कि कोई पर्टिकुलर केव्स एक रिवर के बगल में मौजूद हैं तो आप ज़रा सा गूगल कर लीजिए कि कौन सी रिवर है। वो थोड़ी सी क्यूरोसिटी आप अपनी टेक्स्ट बुक में डेवलप कर लीजिए और आप वो एक दो पॉइंट आपको वो एडिशनल कंटेंट मिलेगा विच विल बी हेल्पफुल। इसके अलावा अब आते हैं हम मेंस की बातचीत करने पे। तो मेंस में भी सेम चीज़ मैं हाईलाइट करूँगी जो PYQ की सिग्निफिकेंस है। तो आप जो PYQ के क्वेश्चंस देखेंगे, आपके पास ऑलमोस्ट 10 साल का PYQ अवेलेबल है अभी मेंस के लिए। तो आप जब देखेंगे क्वेश्चंस तो आप शायद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको पॉलिटी में फेडरलिज्म पे रिपीटेटिवली क्वेश्चन आया है तो आपने वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया और आप उस टॉपिक को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर आप लकी हैं और आपके पेपर में भी वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसमें अबव एवरेज मार्क्स मिलें, ठीक है। एक तो हो गया ये PYQ का सिग्निफिकेंस है, प्लस आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं किसी भी टॉपिक से। उसके बाद हम बात करते हैं नोट्स मेकिंग की।
प्रीलिम्स के टाइम पर आपको नोट्स बनाना शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मेंस के टाइम पर है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंस इज़ ऑल अबाउट आपने अपना मटेरियल कितने अच्छे से याद कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, और आप वहाँ जाके उस सेम कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस टाइम बाउंड मैनर में. दिस इज़ नॉट अ कॉलेज एग्जाम जहाँ पर आपको चीज़ें आती होंगी, आपके पास टाइम होगा और आपने सोच समझ के आराम से लिख लिया. आपके पास कंटेंट आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए और आपको उसे 7 मिनट में 10 मिनट में उस शीट में भरना है. इसलिए आपके पास नोट्स होने चाहिए. आप खुद नहीं बना रहे हैं, किसी और के आपको ट्रस्टवर्दी लग रहे हैं, टॉपर के किसके भी, आप मार्केट से उठाइए, उसे पढ़िए, उसमें कुछ भी कंटेंट एडिशन करना है आप वो कर लीजिए. यहीं से फिर आएंगे हम आएंगे टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस पर या राइटिंग प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंट पर. आप PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मार्केट से टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हैं, ले सकते हैं. फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट. एक आप किसी से भी फीडबैक ले लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में लीजिए, बट एक पॉइंट के बाद शायद आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने क्या मिस किया है अपने आंसर्स में या आप और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. यहाँ आती है राइटिंग प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस, बिकॉज जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता होगा कि आप एक्चुअल एग्जाम में क्या लिख के आने वाले हैं. जितना आपने टेस्ट सीरीज में अपने घर पे बैठ के जो राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी आप उतना लिखेंगे, उससे आप एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं लिख के आएंगे, 2 वर्ड शायद कम ही लिख के आएंगे. इसके बाद मैं बात करूँगी कि मेरा मैसेज क्या होगा. आई विल टॉक अबाउट हियर कि ये जो सारा प्रोसेस है, वेदर इट इज़ प्रिलिम्स और वेदर इट इज़ मेंस और इवन इंटरव्यू फॉर दैट मैटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे प्रोसेस में, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ वन स्टेप, इट इज़ नॉट अ 4 दिन आपने पढ़ लिया कॉलेज एग्जाम से पहले और आपने मगअप कर लिया और आप जाके 5वें दिन एग्जाम लिखा है. इट इज़ अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस. तो इस पूरे प्रोसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब तक ये दोनों ऑर्डर में नहीं होंगे आपका ये पूरा एग्ज़ाम ऑर्डर में नहीं जाने वाला है. तो आप फिजिकली भी अपने आप को हेल्दी रखिए, मेंटली भी अपने आप को हेल्दी रखिए, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि उस टाइम अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा. एंड खुद मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे लास्ट मेंस में मुझे माइग्रेन अटैक्स हो रहे थे लिटरली, एंड आई वाज ऑन पेन किलर्स एवरी डे. तो उसमें क्या होता है कि आप जब इतना स्ट्रेस्ड होंगे तो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाएंगे तो शायद आप चीज़ें प्रॉपरली रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, आप लिख ही नहीं पाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि आपका ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथली निकले और आप अपना प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ जो भी आपने उसमें एफर्ट डाला है. उस एफर्ट के सक्सेसफुल होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें. दैट्स माई मैसेज एंड आई विश यू ऑल गुड लक.